गाइस बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है मेरे को पता नहीं मैं क्या करूं। मैं खो चुका हूं अभी गुफा के अंदर। मेरे को पता नहीं आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। कुछ वो केब्स का जो बैनर दिखाया उसके पीछे का कुछ ये है सीन जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा फूड्स है, आप लोग यहाँ से मार्केटिंग भी कर सकते हो, खाना पीना भी खा सकते हो। और केब्स जाएंगे अभी, केब्स का रास्ता लेना पड़ेगा हम लोगों को, पता नहीं कहाँ से जाते हैं। टिकट लेंगे उसके बाद जाएंगे केब्स। और बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स भी है आप लोगों के लिए, यहाँ पर बढ़िया फैसिलिटीज़ दिया गया है तो मज़ा तो आएगा, मजा लेंगे। सामने हम लोगों के बिल्कुल सामने है टिकट काउंटर में जाके देखेंगे कि कितना करके टिकट आता है और वो टिकट का कॉस्ट कितना आता है और वो टिकट वर्थ इट है या नहीं, वो बताते हैं आप लोगों को। ये आप देखिए, ये बोर्ड में आप मैप देख सकते हो केब्स का। और ये है कुछ वहाँ का टिकट प्राइस जो 30 रुपीज़ करके है और यहाँ से टिकट लेना चाहिए आप लोगों को। So, अभी लेंगे टिकट, 30 रुपीज़ पर हेड है शायद। उसने मेरे को 50 रुपीज़ दिया और अगर 10 रुपया के लिए वो मेरे को कुछ बोला तो उसके पीछे लात पड़ेगा एक। सर कितना करके टिकट? 30 रुपया। दो टिकट 50 में होगा? 50 दे दीजिए। 50 तो कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना भाई, पैसा कितना? 100 लीजिए सर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केब पे, टिकट ये इसके पास है, टिकट ये भैया को दिखाना पड़ेगा अभी। हाँ तो ये रहा केब्स का कुछ सीन। वाव बढ़िया, लाजवाब, सुंदर, ब्यूटीफुल। यहाँ पे अभी जाएंगे हम लोग अंदर और उठ साइड से निकलेंगे तो हम लोग शिमला निकलेंगे। हाँ सो मेरा बात सुन के ये दोनों बहुत हंस रहे हैं अभी, जैसे कि मैंने बताया था शिमला वाला बात। मौसम्बी केब्स गुफा। फर्स्ट टाइम मैं आया यहाँ पे इस टाइप के कुछ गुफा में और बहुत ही बढ़िया सा एक मतलब सिचुएशन है, मज़ा भी आ रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो एक लग रहा है कि हाँ एडवेंचर हो रहा है, अभी पता चल रहा है मेरे को कि हाँ मैं एक MJ हूँ। ओह वाओ केब्स गुफा। नाइस, कहाँ से घुस रहे हैं ये आप देखना। कुछ इस सिचुएशन में हम लोग जा रहे हैं। यस 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 ऑफ कोर्स। देख रहे हो क्या सीन है? अरे यहाँ देख सकते हो, यहाँ से भी एक रास्ता है। अभी भाई ऊंधे चलते ना जाते रहते हैं, तो ना जावे
हमारा। हाँ ये ब्लॉग में दे दो इनको, दे दीजिए। एक हाँ एक मिनट एक मिनट इधर फोटोशूट चल रहा है, ब्लॉग में भी आ जाइएगा आप लोग। नाइस ओके थैंक यू मोस्ट वेलकम। कहाँ पे हूँ? मैन वर्सेस वाइल्ड। ओ शिट ओ कूल मैन ओ। हाँ तो कुछ ये सिचुएशन है अभी हम लोगों का। तो कुछ इस टाइप का है ये गुफा, ये केव कैसा लग रहा है? मैं तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बहुत ही अनोखा एक नया सा चीज़ है, अलग ही एक फील आ रहा है मेरे को ये चीज़। ये सब देख सकते हो, जैसा कि पुराने दिनों में यहाँ से पानी आ जाया करता था, इसीलिए पानियों के वजह से ये कुछ ऐसा हो चुका है। केव्स यहाँ पे मेघालय में एक्चुअली 1500 कुछ केव्स है, उसमें से 1260 या 65 केव्स जो रिवील हुआ है और बाकी का अनरिवील है, अभी तक एक्सपोज नहीं है, बस मिला है खाली। अभी एक परीक्षा और है पास करने के लिए, जो कि आप लोग देख सकते हो। रास्ता कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ से एक बंदा एक ही बार में जा सकता है। नाउ इट्स माय टर्न। I never seen before like this type of place. क्यों? ये देख सकते हो आप पीछे, कुछ अलग टाइप का कुछ है, तो उसे शायद चूना या कुछ बोला जाएगा। चिक चिक करते हैं, मेरा मामू बोल रहा है चिक चिक करते हैं, भैया भी बोला चिक चिक करता है, तो ये चिक चिक ही हम लेगा अभी। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जब आ ही गया तो क्यों ना अपना एक एमजे वाला छाप छोड़ के जाए यहाँ पे। सो मैं एक बढ़िया सा जगह ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरा अपना नाम भी लिख दूँ कहीं पर, तो मुझे जगह नहीं मिल रहा है। एक जगह मिला मेरे को यहाँ पे। राजेश, और ऊपर से पानी एक बूंद मेरे सर पे गिरा। एमजे 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 राइडर्स। अरे बाप रे भाई साहब, सर पे लगा मेरा जबरदस्त ये वाला चीज, बहुत ही ज्यादा जोर से सर पे लगा मेरा। ऊपर देखते हो आप लोग,
ऊपर। ये एक्चुअली नेचुरल कारीगरी है, ये पानी खुद बनाया इसको काट के। बहुत ही बढ़िया चीज है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ पे आ जाओ। ये जो कारीगरी है ये किसी ने नहीं बनाया, ये पानी अपने आप काट के ये बनाया है। थोड़ा पीछे से अगर मैं दिखाऊं इसको तो पूरा आप लोगों को दिख जाएगा ये चीज। बहुत ही नायाब एक चीज है, पानी खुद बनाया है इसको काट के। और आप देख सकते हो ये जैसे हाथी का कुछ लग रहा है कि हाथी का सर है या सुर है, या फिर नीचे से आप अगर देखोगे कि ये शेर का एक पंजा है। जैसे आप लोग अगर देख रहे हो तो ये लग रहा है कि एक शेर का पंजा है यहाँ से, और ऊपर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो लगेगा कि कोई स्केलेटन का सर है। तो थोड़ा अलग ही कारीगरी है यहाँ पे, ऊपर से झूलता हुआ कुछ ये चीज आप लोग देख सकते हो। जैसे मतलब अलग ही टाइप का कुछ है, यहाँ पे लग रहा था कि कान भी था, ये टूटा हुआ है यहाँ से। पूरा का पूरा जो ये आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा का पूरा झूल रहा है, किसी के ऊपर सपोर्ट नहीं है। नीचे आप लोग देख सकते हो, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। और ये है कहाँ पे है, ये है मेघालय पे, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे हम लोग रास्ता भटक चुके थे, पता नहीं हम लोग क्या करना होगा नहीं करना होगा। पीछे बहुत ज़्यादा टेंशन में था मैं, मेरे चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है टेंशन। और यहाँ पे नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं है, तो किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहा था, मैप भी नहीं देख पा रहा था, कुछ नहीं है, मतलब हो रहा था। बाहर का रास्ता मिल चुका है हम लोगों को, और यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग कि बाहर का रोशनी यहाँ पे आ रही है। Oh, it's awesome. So, ये रहा बाहर जाने का। फाइनली बाहर आ गए हैं हम। बहुत ही खूबसूरत सा नजारों का सामना करते हुए देखिए कहाँ से बाहर आए हैं हम लोग। बहुत ही मजा आया। तो अभी जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, एक वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल में जाएंगे। वाटरफॉल में जाके फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ गुफा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम लोग। और ओ बाबा, आप लोग देख सकते हो किधर से जाना पड़ेगा, एक बार देख लो फिर जिंदगी में नहीं आओगे। पास होने का जगह देख सकते हो आप लोग, छोरो लेट के निकलना पड़ेगा आप लोगों को अगर आप लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो गंदा तो होगा ही, और ऊपर से भी जा सकते हो लेकिन आई डोंट थिंक सो। हिमालय में सिर्फ एक ही गुफा नहीं है, टोटल 1500 समथिंग गुफा है जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। उसमें से 1200 समथिंग गुफा का एक्सपोज हुआ है, और यहीं पे हम लोगों को 3 मिल गया है। एक ये देख सकते हो, एक ये है, एक वो है, यहाँ पे तीनों रास्ता है लेकिन हम लोगों को पता नहीं कौन सा में जाना है। तो एक में हम लोग जा चुके हैं ऑलरेडी, वहाँ से आ भी चुके हैं रिटर्न, लेकिन यहाँ पे गया था लेकिन यहाँ पे जा नहीं पाया, रास्ते में थोड़ा बाधा है इसलिए।